बिजली समस्या को लेकर ग्रामीणों ने किया धरना देकर प्रदर्शन। गांव खावड़ा में आग से हुआ भारी नुकसान। गांव सेखुपर दड़ोली में रेबीज टीकाकरण कैंप हुआ आयोजित। सतलुज पब्लिक स्कूल में फ्रेशर पार्टी अभिनंदन का हुआ आयोजन। देखे समाचार विस्तार से। गांव बोदीवाली में विद्युत निगम प्रांगण में अघोषित कट से परेशान लोगों ने धरना देकर किया प्रदर्शन। गांव बोदीवाली में विद्युत निगम प्रांगण में शुक्रवार को बिजली के अघोषित कट से परेशान लोगों ने यहां धरना देकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही निगम के SDO संदीप मौके पर पहुंचे। धरना देकर प्रदर्शन कर रहे गांव बोदीवाली व सरोवरपुर के ग्रामीण हवा सिंह, अनिल बबलू, मुकेश गोदारा, बजरंग शर्मा, अभय सिंह, साधुराम, राजपाल, रुपेंद्र, दलबीर, राममूर्ति, सजन सिंह, संदीप, गुरदीप, मुकेश हुड्डा ने बताया कि उन्हें ट्यूबवेल चलाने के लिए लाइट नहीं मिल रही। दोनों गांव को एक दिन छोड़कर एक दिन ही विभाग कम से कम 6 घंटे लाइट दे तो वे अपने खेतों की सिंचाई कर सकें। माइनर के आखिरी टेल पर उनका गांव होने से नहरी पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने व बिजली आपूर्ति न होने से उनके खेत खाली पड़े हैं। ऐसे में वे अपने परिवार को पालने व आजीविका चलाने में असमर्थ होकर रह गए हैं। ग्रामीणों ने सुबह 9 बजे धरना दिया। 11 बजे कर 40 मिनट पर विभागीय SDO संदीप ने मौके पर पहुंच ग्रामीणों को समझाते हुए कहा कि यह समस्या स्थानीय नहीं बल्कि प्रदेश लेवल की है, जिसका समाधान करने में प्रदेश सरकार लगी हुई है। वे आपकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। जिस पर ग्रामीणों ने बिजली मंत्री रणजीत सिंह से मिलने का मन बना धरना प्रदर्शन समाप्त किया। मौके पर विद्युत निगम से कनिष्ठ अभियंता देवेंद्र, SSA बलबीर नेहरा, कनिष्ठ अभियंता विजय नापा, राजपाल व पुलिस बल भी मौजूद रहा। इस समस्या को लेकर क्या कहा ग्रामीणों ने, सुने उन्हें की जुबानी। इस वक्त है गांव बोदीवाली में। बोदीवाली में यहां सरोवरपुर और बोदीवाली ग्रामीणों को बिजली समस्या को लेकर काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है और ये लोग यहां धरने पर बैठे हैं। बताइए सर, क्या समस्या है? गांव में लाइट को नहीं आवा जी। आवे तो 4 घंटा लाइट दे, मुंह 3 कट मार दे, काला काला अल्लाह करना है, बाकी कोई पानी को नहीं जी। हाँ, तो इन कारण बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं। ट्यूबवेल की लाइट के लिए मांग कर रहे हैं? हाँ, ट्यूबवेल की लाइट है। ठीक है, ये कब से समस्या है? समस्या जी अभी 1-1.5 महीनों तो बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है। खेत में जा रहा बैठा, नालम पानी को नहीं आया, नाकम पग दे बैठा, भी कच्ची ट्यूबवेल चल रहा है, आवे को नहीं। 4 बजे लाइट जानी हुआ है, 4 बजे 10 मिनट पहला छोड़ है। अब आपकी समस्या का हल हुआ है? कोई हल को नहीं है जी। अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी यही कह रहे हैं भी आगे हमारे पास तो कोई समाधान नहीं है, कोई मंत्री से मिलो या बड़े अफसर से मिलो हमारे पास। आपने क्या निर्णय लिया है? देखते हैं जी, अब रणजीत सिंह जी के पास जाने की सोच रहे हैं। सभी ग्रामवासी करके एप्लीकेशन जाए उनके पास जाएंगे, उनको ज्ञापन देंगे अगर हमारी कोई समस्या का हल होगा। आपका क्या नाम है? हवा सिंह है। इस समस्या को लेकर विभागीय SDO संदीप ने क्या कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। गांव बोदीवाली में ग्रामीणों ने बिजली समस्या को लेकर जो धरना दिया, उस संबंधित आपने यहाँ लोगों से मुलाकात भी की है, तो क्या समस्या है और आपने क्या आश्वासन दिया? समस्या ये थी जी कि बोदीवाड़ी ग्राम के ग्रामीण आज मिलने आए थे बिजली घर में अपनी समस्याओं को लेके। जो समस्या है ग्रामीणों की, जो उनकी डिमांड है, एक तो 8 घंटे कंटिन्यूस बिजली सप्लाई एग्रीकल्चर फीडर पे जी सर, और जो पावर कट जो आ रहे हैं इनको बंद किया जाए, तो ये इनकी समस्या थी। तो मैंने आके इनकी समस्या सुनी है, तो बताया कि पीछे कोयले की आपूर्ति की कमी के कारण 12 राज्यों के अंदर ये पावर क्राइसिस आ रहा है। सरकार इस बारे में थोड़ी गंभीर है, अपने स्तर पर प्रयास भी कर रही है, और मैंने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना है और उनको ये आश्वासन दिया है कि जो उनकी समस्या है वो उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाई जाएगी और जल्द से जल्द इसका हल करवाया जाएगा। गांव खावड़ा कला में अज्ञात कारणों से लगी आग से 1050 सफेदे के पेड़ आए चपेट में। गांव खावड़ा कला में अज्ञात कारणों से शुक्रवार को लगी आग से 1050 सफेदे के पेड़ आग की लपटों की चपेट में आने से किसान को भारी नुकसान हुआ है। खावड़ा कला निवासी सोनलाल गोदारा ने बताया कि उसने अपने ढाबी कला रोड स्थित खेत में 9 कनाल में 1050 सफेदे के पेड़ लगा रखे थे, जहां शुक्रवार को अज्ञात कारणों से आग लगने से ये पेड़ आग की चपेट में आने से उसे करीब 1,50,000 का नुकसान हुआ है। आग लगने की पर इसकी सूचना अग्निशमन विभाग भट्टुकला को दी गई, जिस पर गाड़ी लेकर मौके पर पहुंचे विभागीय कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया।
पशु अस्पताल शेखपुर दरौली में आवारा व पालतू कुत्तों का हुआ रेबीज टीकाकरण। पशु अस्पताल शेखपुर दरौली में आवारा व पालतू कुत्तों का शुक्रवार को रेबीज टीकाकरण किया गया। विश्व पशु चिकित्सा दिवस के मौके पर पशु अस्पताल शेखपुर दरौली द्वारा गांव में आवारा व पालतू कुत्तों का निःशुल्क रेबीज टीकाकरण डॉक्टर विद्यासागर बंसल उप निदेशक पशुपालन व डॉक्टर चंद्रपाल गढ़वाल उपमंडल अधिकारी पशुपालन के दिशा निर्देश में किया गया। पशु चिकित्सक रामनिवास बिश्नोई ने बताया कि अप्रैल माह के अंतिम शनिवार को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। बिश्नोई ने बताया कि कुत्ता काटने पर जख्म पर कपड़ा पट्टी लाल मिर्च मिट्टी इत्यादि कुछ भी नहीं लगाना चाहिए। केवल जख्म को चलते पानी से 15 मिनट तक धोएं तथा कोई भी एंटीसेप्टिक लोशन लगाएं तथा चिकित्सक से परामर्श लें। करीब 59,000 लोग रेबीज की वजह से मरते हैं, जिसमें से 90% की मौत रेबीज से संक्रमित कुत्ते के काटने से होती है। भारत में प्रतिवर्ष 18,000 से लेकर 20,000 लोगों की मौत रेबीज के कारण होती है। रेबीज एक संक्रमण बीमारी होती है जो जानवर की लार से फैलती है। इस कैंप में ब्रिलियंट बायो फार्मा द्वारा टीकाकरण की खुराक निःशुल्क प्रदान की गई। इस मौके पर अमर सिंह SDO, आत्माराम BLDA, शुभम पवन शंकर इत्यादि उपस्थित रहे। नए बच्चों के स्वागत पर सतलुज पब्लिक स्कूल में हुआ फ्रेशर पार्टी अभिनंदन का आयोजन। नए बच्चों के स्वागत पर सतलुज पब्लिक स्कूल भट्टुकला में शुक्रवार को फ्रेशर पार्टी अभिनंदन समारोह का आयोजन हुआ। नए राही का सफर और भी खूबसूरत हो जाता है यदि उसे कोई पुराना अनुभवी साथ मिल जाता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सतलुज पब्लिक स्कूल भट्टुकला में नए बच्चों के आगमन पर अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के पुराने बच्चों ने नए बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया। स्कूल की उपाध्यक्ष सोनिया अरोड़ा ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि सतलुज परिवार आप सबका पूरा ध्यान व पूर्ण विकास करेगा ताकि आपका भविष्य सुनहरा हो। स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर रमन कुमार राणा ने बताया कि इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों में आपसी भाईचारे की भावना को विकसित करना है। स्कूल प्राचार्य रश्मि बजाज ने सभी बच्चों के सर्वांगीण विकास और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि सभी बच्चे में अपनेपन का एहसास हो यह जरूरी है। सामाजिक विकास के लिए यह जरूरी है कि हम सब मिलकर रहें। मिलजुल कर रहने से अच्छे समाज का निर्माण होता है। इस समारोह में दूसरी कक्षा की छात्रा पल्लवी अमान्य व कक्षा तीसरी की छात्रा ईशाना खुशी ने अपने नृत्य में सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर NCC ट्रेनर दिनेश कुमार, अमित जाखड़, धर्मेंद्र ढाका, सुरेंद्र बेनीवाल, सजन सुरेंद्र बिश्नोई सहित अनेक स्टाफ सदस्य मौजूद रहे।